ये हसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहां ऐ मेरे साजना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की SS भारतीय संगीत में। मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को मेरा ढेर सारा प्यार और प्रणाम। और आज आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म रोजा से, आज हम इस गाने का हारमोनियम ट्यूटोरियल सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। और YouTube पर इस गाने का ट्यूटोरियल बहुत कम दिया है, तो आप सभी के बीच इस गाने का ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ। साथ ही साथ इस गाने की शॉर्ट मैंने बनाई थी, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद करा था, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे उस शॉर्ट की थोड़ी सी झलक आपको सुनने को मिलेगी। तो आज आप सभी के बीच इस प्यारे से गाने का ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ, तो उस पर बने रहें। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स हैं उन सभी को मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप सभी के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं जिन्हें पढ़ करके मन खुश हो जाता है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स का नाम शेयर करा था, उनमें से एक हमारे रेगुलर फॉलोवर हैं जिनका नाम है अनूप मेहरा जी। अनूप मेहरा जी, आपका तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपके जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत खुशी होती है। और अनूप मेहरा जी भी बहुत अच्छे माउथ ऑर्गन प्ले करते हैं, और इनके अधिकतर मैसेज हमें मिलते हैं कि मैम आपके द्वारा सिखाए हुए जो भी पोस्ट होते हैं हम उससे माउथ ऑर्गन प्ले कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझाने का प्रयास करती हैं। तो थैंक यू अनूप मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल के बनाए गए पोस्ट से माउथ ऑर्गन प्ले करते हैं, आप बहुत इजी तरीके से सीख पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय लेते हम शुरू करते हैं इस गाने की ट्यूटोरियल को। गाना शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इस गाने में जो स्केल है क्या होना चाहिए, और कौन कौन से स्वर कोमल हैं, और कौन से स्वर तक ये गाना आपका पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना जो स्केल रखा है गाने का, ए शार्प को सामाना है क्योंकि अंतरा इसका हायर नोट्स पर है। ठीक है, इसलिए हम स्केल थोड़ा घटा करके गाएंगे। और कोमल स्वरों की अगर बात करें तो कोमल गा, कोमल नी और कोमल धा, इन तीनों ही स्वरों का प्रयोग होगा। साथ ही साथ शुद्ध ना, साथ ही साथ शुद्ध गा, शुद्ध नी और शुद्ध धा का भी प्रयोग होगा। ठीक, और अगर तार सप्तक के स्वरों की बात करें इस गाने में, तो अंतरे में ये गाना तार सप्तक के मा तक पहुँचेगा। ठीक है, तो तार सप्तक में रे स्वर और गा स्वर और मा स्वर, ये तीनों ही स्वर आपके लगेंगे। तो हम ये जान लेते हैं जब ए शार्प को हमने सामाना है तो स्वर कौन कौन से लगे हैं। जैसे कि आपको हारमोनियम पे भी स्टिकर्स लगे हुए दिख रहे होंगे, ये हमारा सा हो गया, ये हमारा शुद्ध रे हो गया, ये कोमल गा हो गया, शुद्ध गा हो गया, मा पा कोमल धा, शुद्ध धा कोमल नी, शुद्ध नी सा, और फिर तार सप्तक का रे, तार सप्तक का कोमल गा और तार सप्तक का मा। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जहाँ पे स्मॉल लेटर से लिखे हैं ये आपके कोमल स्वर होते हैं, और जो कैपिटल्स में लिखे हैं ये आपके शुद्ध स्वर होते हैं, और जो तार सप्तक के स्वर होते हैं उनके ऊपर के और डॉट का निशान होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सा के ऊपर रे ग और मा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय लेते हुए। गाना जो शुरू होगा आपका सा स्वर से ही शुरू होगा। ठीक है, एक एक लाइन बताऊंगी और एक एक बार नोटेशन बताते चलूंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से इसे देख लीजिएगा, आइए देखते हैं। सारे मगा मगा मारे, सारे मगा मारे। अगर आपको ये अपना स्केल को बढ़ाकर आप गाते हो या फिर सी शार्प को सामान के गाते हो तो इसमें और निखार आएगी, और सुंदर लगेगा गाने में। ठीक है, तो चलिए, लेकिन आपकी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर हमने स्केल ए शार्प ही रखा है ताकि आप भी इसी तरीके से सीख पाएँ। जब आप ये अच्छी तरीके से इस स्केल पे गाना सीख जाएंगे तो फिर आप आगे के स्केल्स पे भी आप इसको गा सकते हैं। तो चलिए, सारे मगा मगा मारे, सारे मगा मारे, ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां। नेक्स्ट लाइन, आ गए हम कहां ऐ मेरे साजना। स्वर सारे मगा मगा मारे, सारे पा मगा मारे, दोनों ही लाइनिंग्स में ये दोनों ही स्वर सेम सेम लगेंगे। इसके बाद इन बहारों में सारे रे, सारे रे पा पा पमा।
इसके बाद फिर मेल लाइन स्टार्ट होती हैं और उस मेल लाइन की भी ये चार लाइन जो होंगी नोटेशन सेम होगी, सिर्फ लिरिक्स चेंज होगी। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लिरिक्स लिखा हुआ आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। सेम टू सेम ये नोटेशन लगेंगे मेल के लिरिक्स में भी। इसके बाद फिर एक लाइन आती है मेरे, यहां से आपका कोमल नी स्वर का प्रयोग हो जाएगा। अब तक कोमल गा का प्रयोग था लेकिन अब यहां से कोमल नी का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। मेरे जाने अच्छे से समझ में होगी। इसके बाद हम चलते हैं इस गाने की अंतरे की ओर। अब अंतरा आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। अंतरा में भी बहुत बार रिपीटेशन है स्वरों की, तो चलिए शुरू करते हैं इस गाने के अंतरे को। अच्छा, और इस गाने में जो दूसरा अंतरा होगा उसमें भी सेम टू सेम यही स्वर लगेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ एक अंतरा लेकर के चल रहे हैं। तो आज की जो लाइन थी मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी, यहाँ पर कोमल नी का प्रयोग हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अंतरे पे, अंतरा देखते हैं। अंतरा आपका शुरू होगा पासवर्ड से, ठीक है। आइए देखते हैं। ये बन आपकी तार सप्तक के मां स्वर को छूते हुए जाएगी। आइए देखते हैं। तेरे आंचल के छांव के तले, ठीक है। तो तेरी आंचल के छांव, तेरी आंचल के तक आपको प स्वर का यूज करना है। तेरी आंचल के छांव, जैसे छांव शब्द आएगा आपका तार सप्तक का कोमल गा का प्रयोग होगा। तेरी आंचल के छांव,
बाद आगे की दो लाइन और होती है, तेरी पलकों की छाँव के तले। ये लाइन भी सेम टू सेम जैसे ऊपर वाली लाइन थी ऐसे चलेगी। आइए देखते हैं। तेरी पलकों की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई, फिर तेरी आंचल की छाँव के तले, ठीक है, तेरी आंचल की छाँव के तले। फिर अब जो लाइन आएगी मुहब्बत मुझे मिल गई, यहाँ पर शुद्ध नी का प्रयोग होगा आपके, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे। मुहब्बत मुझे मिल गई तो पा रे सा शुद्ध नी धा मा गा रे। आइए फिर से देखिए। तेरी आंचल के छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई, तेरी पलकों आपका नॉर्मल गाना शुरू हो जाएगा। ये हसी वादियाँ ये गुलाब आसमां आ गए हम कहाँ मेरे साजना। तो ये है इस प्यारे से गाने का प्यारा सा ट्यूटोरियल फिल्म रोजा से, जिसे गाया था सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम जी और केएस चित्रा जी ने, और लिरिक्स थे पीके मिश्रा जी की, म्यूजिक था एआर रहमान साहब जी का। अगर पोस्ट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स का आपका हमेशा इंतजार रहता है। तो जल्दी आती हूँ फिर एक और नई पोस्ट के साथ, तो चैनल पर बने रहिए।